हाय गाइस, वेलकम बैक टू सरा टेलरिंग चैनल। ये जो कुर्ती का मैंने नेक डिज़ाइन किया हुआ है पोटली बटन से लेस पैच करके, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमने फर्स्ट कॉलर नेक स्टिच करने से पहले ये जो बैक है हमारा, बैक को 1 इंच उतना मार्क करके राउंड शेप में गुलाई देके इसको कट कर लेना है। हम चाइनीज कॉलर फिट कर रहे हैं, 3 इंच उसकी चौड़ाई ली है और लंबाई उसकी 1 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम, 1.5 इंच उतना मार्क करके इसको राउंड शेप में गुलाई देके कट कर देना है कॉलर की बैक नेक के लिए। जो हमने मार्क किया था उसको हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करना है तीरा, यानी कि फर्स्ट तीरे को अटैच कर लेना है। जो हमने तीरा अटैच कर लिया है, इस तरह से इसको फोल्ड करके रखते हुए फर्स्ट हमें इसकी मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट लेने से ही हमारा कॉलर परफेक्ट साइज में आएगा। आप देख रहे हैं, मैंने फ्रंट साइड से इसकी मेजरमेंट कर रहे हूँ। इस तरह से टेप को बेंड करते हुए हमें पूरे कॉलर की परफेक्ट मेजरमेंट ले लेना है। हमारे कॉलर की मेजरमेंट आ रही है 8 इंचेस। ये हमने बुकरम लिया हुआ है, हम ये कॉलर कैनवस भी ले सकते हैं। फर्स्ट मैंने इसकी लंबाई दिखा दूंगी। कॉलर कैनवस जो हमने बुकरम लिया हुआ है 15 इंचेस का, इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर लेने के बाद हमें इस तरह से बॉल पिन लगा कर और इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन। हाफ इंच से थोड़ा कम लेते हुए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कॉलर हमारा 8 इंचेस है, तो फर्स्ट हम इसको यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क कर लेकर एक निशान लगा देंगे 3 इंचेस पे। यहाँ पे हम निशान लगाया, वहाँ से हल्के से हम गुलाई देते हुए इस तरह से शेप बना लेंगे। और हमें अब 1 इंच का कॉलर, आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उतना आप चौड़ा रखते हुए इस तरह से कॉलर का शेप बना लेंगे। और हमें इस तरह से बेंड करने से आप देख रहे हैं 8 इंचेस हमारा आ रहा है और कॉलर परफेक्टली आ जाएगा। अब हमें इसी शेप में इसको मार्क करते हुए कॉलर का शेप बना लेना है, जितना चौड़ा चाहिए हमें उतना चौड़ा, 1/2 इंच या फिर 1 इंच भी, आपकी मर्जी। आपको जितना ब्रॉड पहनना पसंद है आप उतना बना सकते हैं। यह हमारा कॉलर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये जो एंडिंग वाला पार्ट है हमने इसको स्ट्रेट रखा है क्रॉस। आप चाहे तो वहाँ पे गुलाई देके डी राउंड शेप भी बना सकते हैं कॉलर का। ये चाइनीज़ कॉलर बना रहे हैं इसीलिए मैं इसी तरह से स्ट्रेट रखी हूँ। अगर आप राउंड चाहे तो आप राउंड भी बना सकते हैं। हमारे कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस कॉलर को कपड़े में पेस्टिंग कर लेंगे प्रेस करके। फर्स्ट हमें फैब्रिक में इसको पेस्ट कर लेना है आयरन करके। यह हमने पेस्ट कर लिया नीचे वाला पार्ट को फोल्ड करते हुए। सेम उसी तरह से एक और फैब्रिक में रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। स्टिच कर लेने के बाद हमें इसको जिस शेप में हमारा कॉलर है उस शेप में इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारा नीचे वाला साइड है, जो हमने ऊपर वाला स्टिच लगाया हुआ है वहाँ पे भी हमें कट कर लेना है। जिस शेप में हमारा कॉलर है उसी शेप में हमें इसे कट कर लेकर कट्स लगा देना है। ये जो हमने नीचे वाले पार्ट जहाँ पे स्टिचिंग लगाई थी वहाँ पे कट करके इस तरह से कट्स लगाने से हमें टर्न करने में आसानी होगी। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न कर लेने के बाद हमें फोल्ड कर लेना है, सेंटर में हमें मार्क कर लेना है ताकि हमें स्टिच करने में आसानी होगी। सेंटर वाला पार्ट को हमें चटका देना है, ये मैंने मार्क करके यहाँ पे चटका दूंगी। कॉलर स्टिच करने के लिए हमें आसानी होगी। यहाँ पे भी हमने सेंटर में मार्क कर लिया है। ये हमारा सीधी साइड में उल्टी साइड हमें मार्क करना है। उल्टी साइड हमें मार्क करके फैब्रिक कॉलर को स्टिच करना है।